सुना आपने कितना क्रिस्पी है ये नए तरीके से लच्छा पराठा। आप ढेर सारे फटाफट बना पाओगे और वो एक एक लोई को घी लपेटने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो और मेरे चटोरों कैसे हो आप? चलो बनाते हैं मसाला आलू वाला लच्छा पराठा। डो बनाने के लिए सेम क्वांटिटी यूज़ करें दोस्तों। मैंने ये 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप ही मैदा। मैदा से क्या है, लचक आएगी और अपने जो लच्छे होते हैं ना पराठे में, वो टूटेंगे नहीं। तो डो में मैंने ये नमक भी डाल दिया 1 चम्मच और चीनी 1 चम्मच है। अब बस पानी डालकर इसका डो बनाना है या आटा गूंथना है। और इसका मीडियम आटा लगाइए दोस्तों, ना नरम होना चाहिए ना हार्ड। नरम रहेगा तो लेयर्स जो लच्छे हैं ना वो आपस में चिपक जाएंगे, और अगर हार्ड रहेगी तो प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी। तो मैंने ये नॉर्मल आटा लगा लिया है पूरा। इसमें अब हम लोग 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी की अच्छी तरह मसाज करनी है आटे में, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट काफ़ी रहेगी। ऐसे करने से पूरी लचक आ जाती है डो में, एकदम स्मूथ हो गया है ना। अब बस इसको रेस्ट करने देंगे 10-15 मिनट। तो मैं इसको ढक रहा हूँ और तब तक एक मसाला बनाते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन गरम किया है, कोई भी तवा या पैन में। 3 चम्मच हम लोग को धनिया के सीड्स लेने हैं, मतलब साबुत धनिया। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, और ये मैंने 1/4 चम्मच या 1/4 चम्मच अजवाइन लिया है। इन सब को 2 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर। ये जो मसाला हम लोग बना रहे हैं ना, ये हम लोग को दो काम आएगा, और इसी से ही वो ढाबा वाला टेस्ट आता है। तो एकदम लाइट रोस्टिंग करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, तो मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और ये मसालों को कम से कम 5 मिनट ठंडा करिएगा, और फिर इसको दरदरा कूटना है। तो बेलन से भी बेल सकते हैं या फिर ऐसे आप मोटर एंड पेसल में भी कर सकते हो। पाउडर नहीं बनाना, एकदम दरदरा चाहिए। आप देख सकते हो परफेक्ट लग रहा है। तो अब आलू की फिलिंग बनाते हैं। उसके लिए बोल में ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 6 पीस मीडियम साइज़ के, उबाल कर छील कर ले लिया हूँ। अब बस हम लोग जो मसाला बनाए थे ना, वो आधा ही इसमें डाल देंगे। बाकी का आधा अपना भुना मसाला आगे काम आएगा। तो ये मसाला डालने के बाद मैं इसमें आधा प्याज डाल रहा हूँ बारीक काटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, और ये 2 बड़े चम्मच जितना हरा धनिया है। इसमें मैं 2 से 3 पालक के पत्ते भी काट कर डाला हूँ, ये आप डालेंगे तो और मज़ा आएगा। नेक्स्ट इसमें फ्लेवर डालने के लिए, खट्टापन के लिए मैंने 1.5 चम्मच अमचूर लिया है, 1.5 टीस्पून, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही अनारदाना, बस इतना ही है। अब बस इन सभी को अच्छी तरह मिलाना है और आलू को भी पूरा क्रश कर लेंगे। तो आलू और मसाला को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, और अभी आप देख सकते हो ये अपने आप से ही अपने आप रह रहा है, मतलब इसका डो जैसा बन चुका है। अगर इसमें बाइंडिंग कम है तो 1 चम्मच इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। मेरे लिए तो भाई फिलिंग रेडी है। अब लच्छा कर लेते हैं डो के, मतलब जो 20 मिनट हो गए है ना, तो डो के लोई बना लेंगे पहले। तो अभी ये डो के मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ, मतलब 2 बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे इसकी, ताकि हम लोग ईजिली इसमें काम कर पाए। लोई बनाने के बाद एक मैं ले रहा हूँ और इसमें सूखा आटा डालकर इसको बेलना स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना डेली, उतनी पतली इसको बेलना है, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। और क्योंकि आटा काफ़ी सारा है तो ये बहुत बड़ा सारा बेलेगा। और इसको गोल नहीं बेलना दोस्तों, मैं बोलना भूल गया, थोड़ा रेक्टेंगल शेप में बनाइए, वरना इसमें वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे रेक्टेंगल शेप में मैंने बना लिया और ये साइज़ एकदम सही है। अब इसमें घी लगाना है दोस्तों। पराठा की लेयर्स को खोलने के लिए सैचुरेटेड फैट या जो जमने वाला फैट होता है ना, वो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने घी इस्तेमाल किया, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच घी लगेगा। इसको अच्छी तरह पराठे में फैला देंगे, मतलब ये आटे में। तो मैं ब्रश से इसको स्प्रेड कर रहा हूँ, एक इवन लेयर चाहिए हम लोग को। और इसमें दोस्तों बिल्कुल भी सूखा आटा या मैदा मत छिड़किएगा, ऐसे ही हम लोग को सिर्फ घी लगाना है। घी लगाने के बाद एक तरफ से इसको हम लोग घुमाना स्टार्ट करेंगे, मतलब रोल करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग बाखरवाड़ी के लिए या खांडवी के लिए रोल करते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको पूरा रोल कर लिया। और अभी आप देख सकते हो इसमें लेयर्स मस्त लग रही है ना। इसको थोड़ा टाइट करना है, तो मैं ऐसे और इसको ऐसे घुमा लेता हूँ, और जो साइड्स है उसको थोड़ा अंदर सेंड करेंगे कोने से, ऐसे प्रेस कर करके, ताकि इसमें वेस्टेज ना हो। बस ऐसे ही मैंने दूसरी वाली भी रेडी कर ली है, आप देख सकते हो। अभी ये दोनों हम लोग की लच्छा रोल है, लोई बनानी है हम लोग को। तो लोई, वैसे ये जो रेसिपी है ना, इससे 8 मीडियम साइज़ के पराठे बन जाते हैं। तो लोई हम लोग चाकू से काटेंगे, हम लोग को 8 नहीं 16 पीस काटनी है।
तो शुरू की मैंने थोड़ी सी हटा दी और मैं ये मीडियम साइज़ के कट कर रहा हूँ। एक पराठे के लिए हम लोग को 2 लोई लगेगी ऐसी, तभी तो डबल लेयर्स बनेंगे, डबल अच्छा पराठा बनेगा। सारी 16 की 16 पीस मैंने कटिंग कर ली। अब हम लोग को इसको लोई में तब्दील करना है, तो बस ऐसे हाथ से आराम से इसको प्रेस करेंगे। इजी है, प्लेटफॉर्म में रख के ही इसको प्रेस करिएगा। अगर आप एकदम ध्यान से देखो तो मैं लेयर्स को थोड़ा स्प्रेड भी कर रहा हूँ ताकि पूरे पराठे में ना लच्छा वाले लेयर्स मिले। बस बिल्कुल ऐसे ही सबको हम लोग प्रेस कर लेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया था ना, एक पराठे में 2 लोई लगेगी, तो इनकी जोड़ी फाइंड करनी है। सेम साइज़ की 2 पीस लोई को ऐसे आप रख लीजिएगा। और अभी इनमें टेंशन बहुत ज़्यादा है यार, तो इनको कम से कम 5 मिनट तक ढक कर स्ट्रेस फ्री होने देना है। तो ढक कर आराम करने दीजिए 5 मिनट, फिर आप कभी भी इसके पराठे बना सकते हो। पराठा बनाने के लिए एक लोई को अब हम लोग बेलना स्टार्ट करते हैं। बस एक पीस लिया हूँ दोस्तों, और इसको पूड़ी के साइज़ का बेलना है। अगर ये ज़्यादा चिपक रहा है तो इसमें सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो जोड़ी थी ना, मतलब एक और जो लोई थी, उसको भी सेम पूरी के साइज़ का बेलना है। दोनों रेडी करके एक जो पूड़ी है ना उसके ऊपर मसाला रखेंगे। तो अपना जो आलू मसाला था उसकी बड़ी सारी चम्मच इसमें रख के फैलाना है, मतलब अच्छी तरह स्प्रेड करना है। कोने में थोड़ा सा गैप रखिएगा वरना सीलिंग में प्रॉब्लम आएगी। और फिर ये जो मसाला है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही छिड़कना है। और फिर दूसरी जो पूड़ी थी ना उससे इसको ढक के अच्छी तरह सील करना है। तो बिल्कुल बढ़िया से ऐसे पिंच करिएगा दोस्तों, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे सील करने के बाद अब ये अपना पराठा बनने के लिए रेडी है। मसाला को साइड में रखते हैं और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के हल्के हाथों से इसको बेलना स्टार्ट करना है। वैसे इसमें लच्छा भी था, आलू भी था, बस पराठे की शेप में बेलना बाकी था। अभी आपको दिख रही है ना लेयर्स, है ना? तो पराठा ऐसे नॉर्मल साइज़ में बेल के ऊपर हम लोग इसमें हरा धनिया छिड़केंगे, और वो जो भुना मसाला था ना कुटा हुआ वो भी थोड़ा सा डालना है। एक बार इसमें बेलन चला देंगे और ये अपना पराठा अब सिकने के लिए रेडी है। तो गर्मा गर्म तवे पे ये जाएगा, और शुरू में आँच को थोड़ा तेज़ रखना है। दिख रही है ना लेयर्स? नीचे से जब ये सिक जाता है ना, तब इसको पलट के घी लगाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने वैसे कम कम क्वांटिटी लगाया है। पूरे पराठे में लगाने के बाद पलट देते हैं और फिर इस साइड भी घी लगा देंगे। वैसे अगर इसमें आप ज़्यादा ज़्यादा घी लगाओ तो ये पूरा जो पफ होता है ना, वैसे इसकी लेयर्स खिल जाती है। आँच हम लोग की तेज है तो इसमें कलर बहुत जल्दी आता है। आप देख सकते हो गोल्डन कलर आने लग चुका है, लेकिन अभी ये अंदर से कच्चा है। तो ये स्टेज में आपको फ्लेम को लो कर देना है और 1 मिनट तक दोनों तरफ सेकना है पलट पलट के। ऐसे करने से ये अंदर तक भी पूरा पक जाएगा और बाहर की लेयर भी पूरी करारी हो जाती है, मस्त क्रिस्पी लगती है। सिकाई भी अगर आप देखो तो एकदम गोल गोल हुई है ना। चलो अपना ये लच्छा आलू पराठा रेडी है। इसको ऐसे ही मत खाइएगा, पहले निकाल कर इसको थोड़ा 1 मिनट रेस्ट करने देंगे और फिर ऐसे पकड़ के क्रश कर देंगे। कैसी लगी आवाज़? अपना ये लच्छा आलू पराठा अब रेडी है खाने के लिए। बाहर से ये एकदम मस्त कड़क रहता है, अंदर से सॉफ्ट मसालेदार। नए तरीके से लच्छा आलू पराठा आप ज़रूर से बना के देखिएगा। नॉर्मली हम लोग अगर एक एक लोई पे घी लगाकर उसकी लेयर्स बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाती है। ये मेथड से तो भाई नॉर्मल पराठा जितना ही टाइम लगता है। ये मेरा दूसरा वाला भी बिल गया, अब चलो इसको सेकते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है यार, आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये सीख रहा है। मेरा ये दूसरा वाला भी रेडी है, बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है ना? मैं तो वही खाने जा रहा हूँ। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? बढ़िया लगी तो लाइक बटन, नहीं लगी तो डिसलाइक बटन, लेकिन ट्राई करना ज़रूरी से बनता है। और ट्राई कर कर मुझे भी बताना कैसा लगा। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन या फिर एक फॉलो बटन होगा, उसको क्लिक ज़रूर से करें। उससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।